खबर रीवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के विभिन्न जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रायपुर करचुलियान जनपद के पथरहा, मऊगंज जनपद के घोराहा एवं नई घड़ी जनपद के शिवराजपुर में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कच्चे मकान को पक्के मकान के रूप में परिवर्तित कर लोगों को पक्की छत का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा किया है। यह सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से। श्री गौतम ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में देश में किसी का भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। जिन हितग्राहियों का नाम आवास सूची में आने से शेष रह गया है, उन्हें आवास प्लस की सूची में शामिल कर पक्का मकान दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास के साथ साथ अन्य विकासोन्मुखी योजनाएं गांवों में संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे सभी गांव सुविधा संपन्न बन सके। श्री गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में विकास की गाथा लिखने का कार्य किया जा रहा है। आगामी 2024 तक सबके घरों में नल की टोटी से पानी पहुंचने लगेगा। उन्होंने कहा कि नई गढ़ी क्षेत्र में शीघ्र ही बाणसागर का पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगे। कार्यक्रम में जनपद पंचायत मऊगंज के अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के उपाध्यक्ष राम लखन सिंह महगना व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल तिवारी ने भी संबोधित किया। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे एवं जनपद नई गढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपने जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्ण कराए गए आवासों के संबंध में जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने फतरहा में, जगदीश सेन घोराहा में, अशोक कुमार साहू एवं शिवराजपुर में बड़के प्रजापति व प्रेम नारायण विश्वकर्मा के नव निर्मित आवासों का फीता काट कर गृह प्रवेश कराया तथा गृह प्रवेश पूजन में सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को धनतेरस पर मिली उपलब्धि के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम रायपुर करचुलियान एके झा, सुरेंद्र सिंह चंदेल, उदय प्रकाश सिंह मंटू, सरपंच अंजू सिंह, सरपंच अखिलेश्वर उर्मलिया, सरपंच सिया दुलारी सहित अनिल सिंह, अखिलेश सिंह, सुनील अग्निहोत्री, पुष्पेंद्र गौतम, एपीओ गोविंद नारायण श्रीवास्तव सहित संबंधित ग्रामों के रहवासी तथा हितग्राही उपस्थित रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।